तो हेलो गाइस, आज हम नई वीडियो लेकर आए हैं एक आईसीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, पूरी देखिएगा और आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी इसमें। मैथमेटिक्स आईसीएसई क्लास 10th के लिए है ये वीडियो, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि आईसीएसई मैथमेटिक्स में कई बार देखिए दो चीज़ें होती हैं। मान लीजिए अगर हमारे जूनियर क्लासेस, छोटी क्लासेज जो होती हैं उनमें कम मार्क्स आते हैं तो हम डीमोटिवेट रहते हैं और हम सोचते हैं कि 10th में करना मुश्किल है, मैथमेटिक्स में नंबर लाना मुश्किल है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटी क्लासेस में कम मार्क्स लाते हैं मैथमेटिक्स में, लेकिन क्लास 10th आते ही बोर्ड एग्ज़ाम जब उनके होते हैं ना तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेकर आते हैं, इवन 100 मार्क्स लेकर आते हैं। तो क्या स्ट्रेटजी हमें लगानी है जिससे हम भी 100 मार्क्स ला सकें, भले ही नो मैटर हमारे कितने मार्क्स छोटी क्लासेस और 9th या 7th में आए हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड आई डू नॉट मीन मे बी। तो देखते हैं क्या स्ट्रेटजी हमारी रहनी चाहिए। ठीक है, शुरू करें। डोंट मेक मिसकॉन्सेप्शन। जैसे मैंने बताया कि अपन को मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट नहीं करने हैं कि छोटी क्लास में मेरे अगर नंबर थोड़े कम हो गए तो 10th में मेरे नंबर कम आएंगे या फिर मैं मैथ्स में कमज़ोर हूँ। कोई भी मैथ्स में कमज़ोर नहीं होता, किसी का भी दिमाग वीक नहीं होता। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके नंबर आएंगे और मेरी गारंटी आपके अच्छे आएंगे अगर आप जो मैं बोल रहा हूँ फॉलो करेंगे। देखिए तो क्या करना है आपको, कंप्लीट फुल सिलेबस होगा यहाँ पर। ठीक है, तो कंप्लीट फुल सिलेबस आपको पूरा सिलेबस एक बार पूरा कंप्लीट कर लेना है। एक बार जैसे आपके स्कूल में कराएं, ट्यूशन में कराएं, जिस हिसाब से भी कराएं, तो आप पूरा सिलेबस उनके साथ एक बार कंप्लीट कर लीजिए। और क्या करना है आपको, फिर एक स्मॉल फार्मूला नोटबुक बनानी है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मैं तो स्टार मार्क करा दे रहा, थोड़ा गड़बड़ बनेगा। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो आपको एक छोटी सी नोटबुक खरीदनी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, अभी तो फिलहाल नहीं रखे हूँ मैं, तो एक छोटी सी आपको इतनी सी नोटबुक रख लेनी है, छोटी सी डायरी टाइप की रख लेनी है। उसमें आपको चैप्टर वाइज फॉर्मूले लिखने हैं, सारे के सारे चैप्टर वाइज आपको फॉर्मूले लिख देने हैं। तो अब आप क्या कर, क्या हेल्प करेगी आपको, देखिए अगले पॉइंट में वो नोटबुक कैसे हेल्प करेगी वो लिखा है। आपको क्या करना है कि जब भी आप फ्री हैं आप उस नोटबुक को खोलेंगे, फॉर्मूलाज देखेंगे। आपको लगेगा कि इतने सारे, मतलब इतने सारे चैप्टर तो नहीं हो 10th में, लेकिन आपके ये छोटे होते हैं, आपके हिसाब से ज़्यादा होते हैं, तो मतलब आपको लगेगा कि इतने सारे फॉर्मूले हम बार बार रिवाइज करेंगे क्या। तो एक टाइम ऐसा होता है कि जैसे आप फॉर्मूले नोटबुक बनाते जाएंगे और आपको फॉर्मूले खुद ब खुद याद होते जाएंगे, आप रिवाइज करेंगे तो आपको याद होंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप पेज पलटेंगे, हाँ रिवाइज हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे। तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और आपको ये फॉर्मूला अगर भूल रहे हैं, तुरंत फॉर्मूले नोटबुक में जाइए और वो फॉर्मूला देखिए, क्योंकि क्लास 10th में ज़्यादातर क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं और आपको फॉर्मूला याद होना सारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है, आपने पूरी मैथ्स किताब लगा ली अपनी, अब आप ये नहीं करिए कि सेल्फ स्टडीज़ वगैरह उठाएं और प्रैक्टिस करने बैठ गए, या फिर एनसीईआरटी वगैरह। आपके टीचर अगर बोलते हैं कि एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करो तो मत करो एनसीईआरटी से प्रैक्टिस। आप चैप्टर वाइज उठाओ, चैप्टर वाइज उठा के सारे जो पुराने पेपर क्वेश्चन आ चुके हैं उनको लगाइए। ठीक है, और भी कोई भी आईसीएसई या आईएससी की वो भी आपकी आईसीएसई की किताब होगी ना 10th की, जो आपके टीचर सजेस्ट करें आप वो लगाइए। लेकिन ध्यान रखें कि पैटर्न सेम होनी चाहिए, पैटर्न आपका आईसीएसई में जैसा पूछा जाता है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। क्योंकि हमको ना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऊपर हाई लेवल पर जाना है ना नीचे, ज़्यादा हाई लेवल पर जाने के चक्कर में हम नीचे गिर जाते हैं। तो फिलहाल आप चैप्टर वाइज वगैरह से प्रैक्टिस करिए, पुराने साल के क्वेश्चन पेपर उठाइए और एक बार देखिए कि आते कैसे हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है अपना तो ये भी कर सकते हैं, पास्ट ईयर के क्वेश्चन उठाएं और उन्हें देखें, सिंपल आते हैं यार, बहुत सिंपल आते हैं। डरना, कॉन्फिडेंट रहना है। देखिए मैथ्स इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप सवाल कर लेंगे, भले ही आपको नहीं भी आता है कई बार तो आप लॉजिक वॉजिक लगा के कर लेते हैं। लेकिन अगर आप देखिए कॉन्फिडेंट नहीं है, भले ही आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, सब कर रखा है, आपको अच्छे से आता है, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर देंगे, आप सिली मिस्टेक्स करेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक्स करेंगे और कोई फ़ायदा नहीं होगा पढ़ने का। ये मेरा एक स्टूडेंट है जिसने प्री बोर्ड में, उसके 80 में से आए थे लगभग 78 मार्क्स, और प्री बोर्ड 1 में भी ऐसे ही आए थे, लेकिन बोर्ड आते आते उसके 75 आए, क्योंकि वो पैनिक कर गया, क्वेश्चन छूट गए, सिली मिस्टेक्स कर गया। आज भी बहुत दुखी होता है वो इस चीज़ को लेकर, लेकिन क्लास 12th में उसके 99 मार्क्स आए थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, सारे पॉइंट आपके कंप्लीट हो गए, आपको यही करना है। आपको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ये पॉइंट को, तो आपको मिसकॉन्सेप्शन नहीं बनाना है। मैथ्स इज ईजी ब्रो, मैथ्स इज ईजी।
पूरा सिलेबस आपको टीचर के साथ कंप्लीट कर लेना है। स्मॉल फॉर्मूला नोटबुक रखनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो इसको, कि आपको फार्मूला नोटबुक बिल्कुल रखनी है अपने साथ, है ना। एक डायरी खरीद लो यार, उसमें फार्मूला लिखो सारे चैप्टर वाइज, और जब भी आप फ्री हैं या फील लाइक यू हैव फॉरगॉटन समथिंग, यू कैन जस्ट रिवाइज गो थ्रू द फार्मूला नोटबुक, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आपको प्रैक्टिस हमेशा रिलेवेंट चीज़ों की करनी है, इररिलेवेंट चीज़ों की प्रैक्टिस मत कीजिएगा। आपके दोस्त ने कह दिया कि भाई ये सवाल तो मेरे से हो ही नहीं रहा, आप ये सवाल करके दिखाओ, तो ठीक है आप कर सकते हो उस टाइम, लेकिन यही है कि आप ज़्यादा डिबेट नहीं हो अपने से, अपने सिलेबस से ज़्यादा डिबेट नहीं होना है। एनसीईआरटी ठीक है लगानी हो लगा लो, अगर ये सब हो जाए उसके बाद ही देखिए, उसके बाद ही वैसे नहीं लगाइए, कॉन्फिडेंट रहिए यार। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है मैथमेटिक्स में, एक पॉइंट यहाँ लिखा नहीं है मैंने तो ये पॉइंट, बिल्कुल कंसिस्टेंट आपको होना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के बिना मैथ्स में काम नहीं चलता, ठीक है। आपको फ्लो में रहना बहुत ज़रूरी है, कि आप एक गो में अच्छे अच्छे सवाल उड़ा रहे हैं, ऐसे फ्लो में आपको होना चाहिए, तो वो फ्लो कहाँ से आएगा, वो फ्लो आएगा कंसिस्टेंसी से, वो कंसिस्टेंट आपको बिल्कुल होना पड़ेगा, ठीक है। तो यही हमारी स्ट्रेटेजी है, ठीक है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ रहिए। देखिए दिमाग हल्का करके पढ़िया करिए, ये नहीं सोचिए कोई भी, पहले मिसकॉन्सेप्शन सारे हटा दो, क्लास 10th में कोई मिसकॉन्सेप्शन काम नहीं करता है, अलग होती है क्लास 10th, अलग होती है क्लास 10th में आप अच्छे मार्क्स बहुत ही आराम से ला सकते हैं, ठीक है। और प्री बोर्ड या जो भी एग्जाम आपके यूनिट टेस्ट वगैरह होंगे, इनमें अगर पेपर कठिन आ जाए तो बिल्कुल डरिएगा मत, क्योंकि बोर्ड में डेफिनेटली सिंपल आएगा। आगे तो यार बहुत ही ज़रूरी एक अनाउंसमेंट, एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, जिसका नाम है CISE 2023, उसको आप ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं उसको डाल रहा हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है उसको ज्वाइन करने में तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जाके पूछिए, ठीक है। और बिल्कुल CISE 2023 को ज्वाइन कीजिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसमें हम क्या क्या डालते हैं, हम इसमें नोट्स वगैरह डाल देते हैं, ठीक है, आपके वोकेबलरी तो हम रोज़ डालते हैं, आपके मोटिवेशनल थाट्स वगैरह डालते रहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आता है वो डालते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हम डालते रहते हैं। और जो भी आगे हम करने वाले हैं वीडियो, हम जो भी इम्पोर्टेंट डालते हैं उसके लिंक भी डालते हैं, सब कुछ हम डालते हैं, बिल्कुल हमने स्पीकर होकर वो चैनल पर जाइए, हम एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं यार। समझिए कि अगर आपकी अपनी कम्युनिटी होगी CISE की पूरी, तो पता लगेगा कौन सा बच्चा किस लेवल पर, कौन से लेवल का हमें कॉम्पिटिशन चाहिए, अगर हमको ऑल इंडिया रैंक लानी है तो कैसे क्या करना है सब, ठीक है, समझ रहे हो। कम्युनिटी क्रिएट करो यार, कोई भी कम्युनिटी नहीं है हमारी, हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यार देखो एक ग्राफ हम अच्छा बता दें आपको, कि आपकी जूनियर क्लासेज हैं, ठीक है, इनमें आपके नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है, सारे में कम है नंबर आपके, और क्लास 9th में आपके और कम हो गए हैं, हो जाते हैं 9th में कम हो जाते हैं, तो लेकिन क्लास 10th में ये आपका ग्राफ इतना ऊपर जाएगा, आप ये टिप्स फॉलो करेंगे, ये आपके यूनिट टेस्ट, ये आपका हाफ ईयरली, और बोर्ड में तो आप फोड़ देंगे, समझे। और ये नंबरों की मत चाहिए, ये ग्राफ के नंबर हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो नो मैटर हाउ मच यू गेन्ड इन लोअर क्लासेस, दिस टाइम तुम फोड़ दोगे, समझ रहे हो, फोड़ दोगे तुम, आग लगा दोगे, अगर आप हैकर CISE की बात मानते हैं। तो यार गाइस बस इतना ही था आज की वीडियो में, काफ़ी अच्छा बताया, काफ़ी इंपॉर्टेंट बताया, थैंक यू सो मच देखने के लिए। या चैनल सब्सक्राइब कर लो, या चैनल सब्सक्राइब करे बिना निकल जाना बहुत ही गलत है, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत करते हैं आपके लिए, काफ़ी अच्छी वीडियोस लाते हैं, रिसर्च के साथ लाते हैं, ऐसे मुंह उठा के नहीं लाते और यूट्यूबर्स की तरह, कुछ यूट्यूबर्स तो फ्रॉड फर्जी न्यूज़ भी बेचते हैं, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। तो जेप कम ऑन, लेट्स डू इट टुगेदर, टेलीग्राम मत भूलना, चैनल ज्वाइन करना, सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लो, बेल आइकॉन प्रेस कर दो, ठीक है। जय हैकर CISE, जय CISE, जे ICSE, जे क्लास 10th फोड़ दोगे तुम, ठीक है, चलिए बाय बाय, टाटा एंड करते हैं।